हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड। तो फिर आज हम लोग बात करने वाले हम लोग टीसीएस के बहुत बड़े अपडेट को लेकर। फिर इसे आप लोग गुड न्यूज बोल सकते हो, बेड न्यूज बोल सकते हो, और यहाँ पर एक अगेन न्यू अपॉर्चुनिटी भी बोल सकते हो, क्योंकि जितने लोग अभी तक एग्जाम रिजल्ट का वेट कर रहे, लाइक फाइनल रिप्लाई फ्रॉम टीसीएस टीम हु इज स्टिल वेटिंग फॉर टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम रिजल्ट और इंटरव्यू मेल। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों के सारे के सारे डाउट्स जो माइंड में आ रहे होंगे वो क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड। तो मैं बताता हूँ फ्रेंड, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने जो है टीसीएस को लेकर टीसीएस टीम को मेल करा था। फिर आप लोग देखोगे, फिर यहाँ पर मैं दिखा दूँ यहाँ पर जो है, ओके, आई रोट एग्जाम ऑन March 25th, नाउ आई वॉन्ट गॉट एनी रिजल्ट, प्लीज यू कैन से मी वट इज द प्रॉब्लम, आई एम वेटिंग फॉर माई रिजल्ट फॉर 2 months, इफ इट्स रिजेक्टेड देन सेंड मी फीडबैक आर रिग्रेट, बट टिल नाउ आई डोंट गेट एनीथिंग। सी फ्रेंड, इफ यू आर राइटिंग योर एग्जाम ना, राइटिंग योर एग्जाम इज नॉट अ पास और फेल, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी रिग्रेट स्टेटस, यू विल गेट रिग्रेट स्टेटस ओनली इफ यू डन विद इंटरव्यू। आफ्टर राइटिंग योर एग्जाम इट्स नॉट पॉसिबल, बट ऐसा होता ही नहीं है कभी ना, कभी हुआ है, क्योंकि टीसीएस एनक्यूटी का जो बीच में एक बार हुआ था कि काफ़ी लोग को रिजेक्शन में ला रहे थे जो लोग क्वालिफाइज कर रहे थे, बट यहाँ पर जो है टीसीएस एनक्यूटी कोई पास या फेल एग्जाम नहीं होता फ्रेंड। अगर आप लोग अच्छा एग्जाम स्कोर करते हो तो आपके पास इंटरव्यू में आता है, अगर अच्छा स्कोर नहीं करते तो आपके सामने कुछ भी नहीं आता, ठीक है। देखते अब क्या रिप्लाई आ गया, अब जो लोग भी रिप्लाई मेल करने वाले सभी को ये रिप्लाई देखने को आने वाला है, फिर आपका है सिस्टम जनरेटेड मेल, ओके, प्लीज नोट दैट यू कैन रीअप्लाई एज पर द बिलो लिंक फॉर द टीचर्स ऑफ कैंपस हायरिंग 2020-21 and 22 टेक्निकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फ्रॉम BE, BTEC, ME, MTEC, MSc, MCA फ्रॉम एनी स्पेशलाइजेशन ईयर ऑफ पासिंग आर एलिजिबल, ओके, ऑफर्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो फिर यहाँ पर बहुत सिंपल कहने का मतलब है, लाइक जो लोग भी अभी तक एग्जाम लिख चुके हो, अपने इंटरव्यू मेल का या फिर एग्जाम रिजल्ट का वेट कर रहे हो, ऑल आर रिजेक्टेड राइट नाउ, बिकॉज यहाँ पर आप लोगों को एक मेल देखने को आएगा अगर आप लोग क्वालिफाइज करते हो कि सर मेरे पास अभी तक एग्जाम का मेल सॉरी इंटरव्यू का मेल नहीं आया है, एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया है, तो इन दैट केस टीचर्स आपको बोल रही है कि आप लोग रीअप्लाई कर सकते हो। तो जो लोग भी यहाँ पर रीअप्लाई करते हैं वो लोग अभी अगेन आप लोग पास अपॉर्चुनिटी है, आप लोग देखोगे फ्रेंड तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है आप लोग के लिए, मतलब एग्जाम लिखे हो, देखो टीचर्स एंड क्यूटी कभी पास या फेल नहीं होता फ्रेंड, तो आप लोग सोचो आपने एग्जाम लिखे हो, आपके पास रिजल्ट नहीं आया, इसमें तो आप लोग क्वालिफाई नहीं किए हो, लेकिन टीचर आपको एक नई अपॉर्चुनिटी दे रही है फॉर निंजा एंड डिजिटल आईडेंटिटी हायरिंग, तो काफी अच्छी न्यूज है फिर आप लोग के लिए, और आपका वन लास्ट चांस फॉर 2020-21 बैच के लिए होता है, या लास्ट हायरिंग भी हो सकता है। तो फिर आप लोग में से काफी लोग जो वेट कर रहे हो, सो डोंट वेट राइट नाउ, जस्ट अप्लाई फॉर द टीचर्स करंट ITP रिक्वायरमेंट एंड जस्ट गिव योर एग्जाम अगेन। क्वालिफाई करते हो तो आपका इंटरव्यू देखने को आएगा, फिर क्वालिफाई नहीं करते तो आपसे कुछ भी मेल नहीं आएगा, तो ये लास्ट हायरिंग के फ्रेंड बिल्कुल भी इसे मिस मत करना, क्योंकि अगर आप अभी बहुत सारे लोग डाउट भी पूछते हैं, मैं एग्जाम लिख दिया अभी तक मैं वेट कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ नहीं करूँ, तो फिर आप लोग अपने आप को एज अ रिजेक्टेड पर्सन मान सकते हो, और अभी जो टीचर्स करंटली रिक्वायरमेंट कर रही है उसमें आप लोग अप्लाई कर देना, आपके पास अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाती है। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर वीडियो, कुछ डाउट रहता कमेंट पूछ सकते हो, मिलते हैं आपको इस वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।